आईपीएल 2019 में अपनी पहली जीत के लिए बेताब विराट कोहली की टीम आज ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ मैदान में उतरेगी। लीग मैचों की शुरुआत आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं रही है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है। इसके साथ ही बेंगलोर का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना पहले ही लगभग टूट गया है। इस लीग के शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं ये सोचा होगा कि विराट कोहली की टीम का ये हाल होगा। इसके साथ ही बेंगलोर की टीम अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पार्थिव पटेल के साथ मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग कर सकते हैं। इससे पहले पटेल के साथ विराट खुद ओपनिंग करते थे, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज के मुकाबले में विराट ओपनिंग नहीं करेंगे। पार्थिव पटेल अभी तक केवल 20 के अधिक औसत से रन बना सके हैं। विराट कोहली भी डिविलियर्स और आकाशदीप नाथ मिडिल ऑर्डर की भूमिका निभा सकते हैं। कप्तान कोहली पिछले 4 मैचों में 20 रनों से कम के औसत से रन बना पाए हैं। डिविलियर्स ने 20 से अधिक औसत से रन बनाए हैं। पिछले मैचों में मोइन अली का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक कुछ खास नहीं रहा है। तो वहीं गेंदबाजी में भी बेंगलोर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो युजवेंद्र चहल को छोड़कर कोई भी गेंदबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया है।